नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। साथ ही हम जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, अरहर, कपास, गुड़, धनिया और काजू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले सुर्खियों के साथ। इंदौर मंडी में 40 रुपए चढ़ा गेहूं का भाव। राजकोट मंडी में आई 10 रुपए की गिरावट। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज गेहूं से। घरेलू स्तर पर इस साल गेहूं की पैदावार में इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बात आवक की करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। गेहूं पर आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो बुधवार को दाहोद और इंदौर मंडी में गेहूं के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजकोट मंडी में नरमी रही, जबकि लालसोट मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एक मार्केट के मुताबिक गुजरात के दाहोद मंडी में 2 अप्रैल को लोकवान गेहूं का भाव था 2430 रुपए। 3 अप्रैल को इसके भाव में 20 रुपए की तेजी आई और भाव 2450 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि राज्य के ही राजकोट मंडी में इस दौरान शरबती गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 अप्रैल को गेहूं का भाव था 2700 रुपए। 3 अप्रैल को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 2690 रुपए पर हुए। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में 2 अप्रैल को लोकल गेहूं का भाव रहा 2400 रुपए। 3 अप्रैल को इसके सौदे 40 रुपए मजबूत होकर 2440 रुपए पर हुए। राजस्थान के लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 अप्रैल को गेहूं 2300 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की मंडियों में गेहूं के भाव की बात करें तो यहां बुधवार को एटा मंडी में गेहूं का भाव रहा 2410 रुपए, लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2350 रुपए, सुल्तानपुर मंडी में गेहूं 2430 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही रायबरेली मंडी में गेहूं के सौदे 2300 रुपए पर हुए। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं भी शामिल है। रबी गेहूं की एमएसपी साल 2023-24 में 2125 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं गेहूं की पैदावार पर नजर डालें तो 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। कुल गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान गेहूं का उत्पादन 1120.19 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है, जो पिछले साल के 1105.54 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख मीट्रिक टन अधिक है। चलिए अब रुख करेंगे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज गुप्ता जी, आपसे जानना चाहते हैं कि गेहूं के बाजार भाव आगे किस तरफ जा सकते हैं। गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं के फसल की अगर बात करें तो आने वाले टाइम में गेहूं की फसल की आवक स्टार्ट हो सकती है। हालांकि अभी आवक सामान्य बनी हुई है और आने वाले कुछ दिनों में हम नई फसल की आवक भी शुरू होते हुए देखेंगे। इस बार भारत के अंदर गेहूं की बम्पर क्रॉप देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो अगर हम गेहूं की प्राइस की बात करें तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में आवक स्टार्ट होने के बाद भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। भाव कुछ नरम हो सकते हैं, जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। किसान भाइयों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी अनुज जी? गेहूं के किसानों को सलाह है कि उनको अभी फिलहाल क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे और मंडियों में फिर आवक भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। बम्पर क्रॉप आवक होने की वजह से हमें लगता है कि भावों में नरमी हो सकती है। किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी, तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी के अनुसार अगर आप बाजार का रुख करेंगे तो किसान भाई मुनाफा कमा पाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। अब वक्त हो गया है बाकी की सुर्खियों की तरफ रुख करने का।
धोराजी मंडी में 925 रुपए उछलकर 10,255 रुपए पर हुए अरहर के सौदे। वेरावल मंडी में 9,280 रुपए रहा अरहर का भाव। खरीफ कपास की उपज 323 लाख टन अनुमानित। सावरकुंडला मंडी में 7,230 रुपए पर हुए कपास के सौदे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अरहर के बारे में। तो अरहर की आवक इन दिनों मंडियों में सामान्य है। भाव पर नजर डालें तो बुधवार को ज्यादातर मंडियों में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। अरहर पर आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। बुधवार को अरहर की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो राजकोट और धोराजी मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि वेरावल और गाजियाबाद मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे बिना किसी उठापटक के साथ हुए। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 2 अप्रैल को अरहर का भाव रहा 8,675 रुपए, 3 अप्रैल को इसके भाव में 450 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 9,125 रुपए। राज्य के ही धोराजी मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में उठाव के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 अप्रैल को अरहर का भाव था 9,330 रुपए, 3 अप्रैल को इसके सौदे 925 रुपए उछलकर 10,255 रुपए पर हुए। हालांकि वेरावल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 अप्रैल को अरहर 9,280 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद मंडी की बात करें तो यहां 1 अप्रैल को अरहर का भाव था 9,350 रुपए, 3 अप्रैल को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 9,350 रुपए पर हुए। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपिटा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। अनुज गुप्ता जी, आपसे जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अरहर का बाजार भाव किस तरफ जा सकता है। अरहर की अगर बात करें तो अरहर के अंदर हमने भावों में एक मिलाजुला कारोबार देखा है। कहीं ना कहीं देखें तो दालों की इस बार कुछ पैदावार कम देखने को मिल रही है, इसकी वजह से हमने देखा है कि दालों में कुछ हाल आता हुआ दिखाई दिया है। अरहर की बात करें तो अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है, मगर अगर हम पैदावार की बात करें तो पैदावार कुछ कम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से भावों में कुछ हाल आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि अरहर में और दालों में छोटी अवधि में तेजी का रुख रह सकता है। जी, तो अरहर के किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? अरहर के किसानों को सलाह है कि उनको भी फिलहाल क्रॉप को होल्ड करके चलना चाहिए। डिमांड बढ़ सकती है, आगे अराइवल भी कम हो सकती है। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको छोटी अवधि में अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो अरहर के किसान भाई अगर अनुज गुप्ता जी के अनुसार मंडी का रुख करेंगे तो मुनाफा कमा पाएंगे, और जो बाजार के जानकार हैं उनका ये कहना है कि अगर आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो आने वाले समय में आपको भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा भी कमा सकते हैं। आप बने रहिए अनुज जी, हम आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और चना के बाजार भाव पर नजर डालते हैं। तो गुजरात की सावरकुंडला मंडी में चने का भाव 5,450 रुपए रहा। कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में चने का भाव 6,000 रुपए रहा। राजस्थान की लालसोट मंडी में चने का भाव 5,261 रुपए रहा। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव 6,400 रुपए रहा। आपको बता दें कि चने के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कपास और गुड़ की। तब तक बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। की प्राथमिकता का केंद्र कृषि, हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत, आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल, किसानों की मेहनत है ये नहीं है कोई आसान खेल, बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक,
खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन। जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार बुधवार शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। अब मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे गुड़ के बारे में, लेकिन उससे पहले कपास के बारे में बात कर लेते हैं। तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो बुधवार को एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जामनगर मंडी में कपास का भाव रहा 7,150 रुपये, राजकोट मंडी में कपास का भाव 7,725 रुपये रहा, सावनकुंडला मंडी में कपास 7,230 रुपये पर बिकी, जबकि राज्य की ही हलवत मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 7,600 रुपये पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 323.11 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कपास की उपज 336.60 लाख गांठ रही थी। यानी इस साल खरीफ कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर भी पड़ता दिख सकता है। तो अनुज गुप्ता जी बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अनुज गुप्ता जी, कपास के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जहाँ तक कपास का सवाल है, इस बार हमने कपास की पैदावार में कमी आती हुई देखी है। भारत के अंदर कपास की फसल की कमी देखने को मिली है। पिछले साल के तुलना में इस साल पैदावार में कमी हुई है और मंडियों के अंदर आवक भी कम देखने को मिली है। कहीं ना कहीं देखें तो वैश्विक स्तर पर प्राइस में हमने बढ़ोतरी होते हुए देखी है। तो अगर हम प्राइस की बात करें तो हमें लगता है कि आवक कम होने की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से और वैश्विक स्तर पर भावों में तेजी आने की वजह से लग रहा है कि कपास के भावों में आने वाले दिनों में भारत में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जी, किसान भाइयों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी अनुज जी? कपास के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को रोक के चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आवक कम देखने को मिली है, इंटरनेशनल भाव तेज होते हुए दिखाई दिए हैं, हमें लगता है कि किसान अगर कपास को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग का असर भी है और साथ में डोमेस्टिक डिमांड के असर से भी भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को कपास को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो कपास के किसान भाइयों के लिए यही राय है कि अगर आप भंडारण क्षमता रखते हैं तो रोक के चलिए, आपको आने वाले समय में तेजी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा पाएंगे। अनुज जी, आप बने रहिए, हम आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे। अब बात करते हैं उड़द के बाजार भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव 8,950 रुपये रहा। मणिपुर की इम्फाल मंडी में इसका भाव 13,500 रुपये रहा। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में उड़द का भाव 9,110 रुपये रहा। गाजियाबाद मंडी में उड़द का भाव 9,100 रुपये रहा। आपको बता दें कि उड़द के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब बात करेंगे हम गुड़ के बारे में। तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य बनी हुई है। 3 अप्रैल को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। बात गुड़ के भाव की करें तो बुधवार को राजस्थान की उदयपुर मंडी में गुड़ का भाव रहा 3,950 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में गुड़ का भाव 3,950 रुपये रहा। तो बहराइच मंडी में गुड़ का भाव 4,060 रुपये पर बिका, जबकि राज्य की ही चौबेपुर मंडी में इस दौरान गुड़ के सौदे 3,550 रुपये पर हुए। वहीं गुड़ के निर्यात पर अगर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़े के अनुसार साल 2022-23 के दौरान भारत ने 4,330.07 करोड़ रुपए की कीमत के 7,61,640.19 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान सूडान, इंडोनेशिया, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और केन्या को गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी। अनुज गुप्ता जी, आपसे जानना चाहते हैं कि गुड़ के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? गुड़ की अगर बात करें तो इस बार गुड़ का निर्यात बढ़ा है। हमने देखा है कि गुड़ का पैदावार के साथ साथ निर्यात भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हालांकि इस बार अगर हम गन्ने की फसल की बात करें तो बम्पर गन्ने की फसल देखने को मिल रही है, तो आगे गुड़ का उत्पादन भी बम्पर हो सकता है। मगर जिस तरीके से निर्यात मांग बढ़ी है उससे लग रहा है कि आगे चलकर गुड़ के भावों में उछाल देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही किसान भाइयों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी?
गुड़ के किसानों को सलाह है कि उनको अभी क्रॉप को गुड़ को रोक के चलें, क्योंकि जिस तरीके से निर्यात मांग बढ़ी है उससे लग रहा है कि भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को गुड़ को होल्ड करके चलना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से निर्यात मांग बढ़ी है उससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। जी, तो गुड़ के किसान भाइयों के लिए भी अनुज गुप्ता जी की यही सलाह है कि अगर आप थोड़ा इंतजार करेंगे तो आपको आने वाले समय में भाव में तेजी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा पाएंगे। अनुज गुप्ता जी, आप बने रहिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। अब हम नजर डालेंगे मूंग के बाजार भाव पर। तो गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव 8,160 रुपए रहा। जामनगर मंडी में मूंग का भाव 8,650 रुपए रहा। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में मूंग का भाव 8,550 रुपए रहा और अलीगढ़ मंडी में मूंग का भाव 8,940 रुपए रहा। आपको बता दें कि मूंग के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे धनिए और काजू का हाल। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मंडी खबर में। अब हम बात करेंगे धनिए की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिए की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक बुधवार को गुजरात की धोराजी मंडी में धनिए का भाव 7,105 रुपए रहा। हलवद मंडी में धनिए का भाव 7,375 रुपए रहा। वहीं राजकोट मंडी में धनिया 8,600 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिए के सौदे 7,600 रुपए पर हुए। वहीं बात धनिए की निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिए के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिए का निर्यात करीब 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिए का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिए का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिए के निर्यात में 5,885 टन का इजाफा हुआ है। लगातार हमारे साथ बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। अनुज गुप्ता जी, आपसे जानना चाहते हैं कि धनिए के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं आपको? धनिए की अगर बात करें तो धनिए के अंदर हमने भावों में मिलाजुला कारोबार देखा है, हालांकि निचले स्तरों से भावों में रिकवरी देखने को मिली है। निर्यात मांग का असर धनिए में रहा है, वायदा व्यापार के अंदर भी हमने तेजी आती हुई देखी है। हमें लगता है कि धनिए के अंदर भावों में मामूली तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से निर्यात मांग बढ़ी है उससे लग रहा है कि भावों को सपोर्ट मिल सकता है। अगर हम बात करें वैश्विक स्तर पर तो वहाँ पर निर्यात मांग का असर भावों पर रहा है। साथ ही किसान भाइयों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? धनिया के किसानों को सलाह है कि उनको अभी क्रॉप को रोक के चलना चाहिए। निर्यात मांग का असर रहा है और जिस तरीके से क्रॉप में कुछ कमी देखने को मिल रही है उसका भी असर भावों पे आ सकता है। हमें लगता है किसान अगर धनिया को होल्ड करते हैं यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो अनुज गुप्ता जी बाजार के जानकार हैं, उनके अनुसार अगर आप बाजार का रुख करेंगे तो आप मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करेंगे हम मसूर के बाजार भाव की। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में मसूर का भाव रहा 6,900 रुपए, तो फैजाबाद मंडी में मसूर का भाव रहा 6,670 रुपए। वहीं गोंडा मंडी में मसूर का भाव 6,975 रुपए रहा और लखीमपुर मंडी में मसूर का भाव 6,780 रुपए रहा। आपको बता दें कि मसूर के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब नजर डालते हैं जीरे के बाजार भाव पर। गुजरात की हलवद मंडी में
जीरे का भाव रहा 22,500 रुपए। राजकोट मंडी में जीरे का भाव 21,750 रुपए रहा। सावनकुंडला मंडी में जीरे का भाव 19,500 रुपए रहा और जामनगर मंडी में जीरे का भाव 19,350 रुपए रहा। आपको बता दें कि जीरे के सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार रहे। अब आखिर में हम बात करेंगे काजू की। तो देश से होने वाले काजू के निर्यात में इस साल खासी इजाफा देखने को मिला है। काजू का निर्यात बीते साल के मुकाबले 5,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान अप्रैल से जनवरी यानी बीते 10 महीने के दौरान काजू का निर्यात 55,000 टन के पार पहुंच गया, जबकि बीते साल इस दौरान काजू का निर्यात 50,211 टन का हुआ था। वहीं बात काजू की आवक की करें तो इन दिनों देश के इक्का दुक्का मंडियों में ही काजू बिकवाली के लिए पहुंच रहा है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक मार्केट के मुताबिक केरल की कासरगोड मंडी में बुधवार को काजू का भाव 9,100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना है कि उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का मंडी खबर से सही भाव लेने में मदद मिल रही होगी। आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाने जा रहे QR कोड को स्कैन कर आप सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इसी के साथ आज आपसे लेते हैं हम विदा, फिर से होंगे हाजिर तमाम भाव लेकर। तब तक आप देखते रहिए, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। सज्जनों, आप सभी मुझे जानते हैं। इस स्त्री को कुछ समाज के कंटकों ने कुटिलता पूर्वक मेरा चरित्र हनन करने के उद्देश्य से भेजा था, पर उनकी इस चाल की पोल खुल गई। ये समाज के कंटक कौन है, ये स्त्री स्वयं आप सबके सामने कहेंगी। कौन है जिसने तुम्हें तुकाराम को भ्रष्ट करने के लिए भेजा था? आप लोग जिसे देवता समझते हैं ना, वही है वो। मंबाजी और सालो मालो। देखिए संत तुकाराम शाम 5:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। साथी सत्यम भाव।
प्रगति भारत रौनक बहारा गुलशान भारत हर जन का कल्याण भारत मतदान मतदान देने जाए నేను బలవంతుణ్ణి బలముంది నాలు నా భారత నన్నల్లిదే భారత నాను శక్తి నన్నల్లనగిదే శక్తి జ్ఞాన్ భారతం భారతమిన్నుళ్ళి జ్ఞాన్ శక్తి ఆన ശക്തിയുണ്ടെന്നുള്ളി മൈ ഭാരത് ഭാരത സമുർമാജത് മൈ ഭക്തി ഭക്തി അസമുർത്താനത് മോ ഭാരത മോ ഭിതാരി ഭാരത മോ സാക്തി മോ ഭിതാരി സാക്തി ആമി ഭോട്ട് इंज भितरे रे भारत में ना इंज के दाल हर इंज भितरे रे दाल में ना मैं भारत हूँ भारत है मुझ में मैं ताकत हूँ ताकत है मुझ में मैं भारत हूँ भारत है मुझ में मैं ताकत हूँ ताकत है मुझ में मतदान देने जाएंगे भारत के लिए भारत के लिए कौन है आप लोग बागी बागी नहीं क्रांतिकारी मुझसे क्या चाहते हैं आप लोग तुम्हारी जिंदगी मैं कसम खाता हूँ मैं आज के बाद आप लोगों के रास्ते में नहीं आऊंगा और देश के साथ कोई तारी भी नहीं करूंगा रुक्मिणी खत्म कर दो इसे नहीं 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 योग बद सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल देश का अपना चैनल Let's see, Lassie में हमारे लिए क्या वेट कर रहा है? यलगार हो! आज इस जंग बहादुर क्लाइव और इस कंपनी को मिट्टी में मिला के बंगाल की धरती से इनका नामो निशान मिटा देंगे हर हाल में बंगाल को बचाना है नवाब साहब को बचाना है तो जल ढालो इन अंग्रेजों को हमला हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं जाइए और उन गोरों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे पुनः प्रसारण रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल देश का अपना चैनल